दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए ही बनी है। दिनेश, अजय, तनु और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। चारों थे तो अलग अलग शहर के, पर कॉलेज आते ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। शाम को क्लास खत्म होने के बाद चारों पास में ही बने तनु के ही पापा के रेस्टोरेंट में मिलते थे। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद चारों ने वादा किया कि 5 साल बाद, यानी आज ही की तारीख 20 जून को, हम चारों इसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। ये वादा करके अजय, दिनेश और राहुल अपने अपने शहर को चले गए। तनु वहीं रहकर अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगी। अभी 5 साल होने में 4 दिन ही बाकी थे कि तभी एक रात अजय के फ़ोन पर रिंग बजी। शायद कोई मैसेज आया था। अजय ने फ़ोन देखा तो तनु का वॉइस मैसेज आया था। हाय अजय, कैसे हो? तो हम मिल रहे हैं ना 20 जून को? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जब मिलोगे तब बताऊंगी। तनु के वॉइस मैसेज में ये आवाज़ थी। क्या यार, ये तनु भी ना पागल हो गई है, इतने रात को कोई मैसेज करता है, अजय ने कहा। ऐसा कहकर अजय ने मोबाइल को साइड में रख कर बड़बड़ाता हुआ सो गया। अगले दिन राहुल और दिनेश के फ़ोन पर भी वही वॉइस मैसेज आया था। 20 जून को सुबह की पहली फ्लाइट से लखनऊ पहुंचकर तीनों कॉलेज के ही पास बने उसी रेस्टोरेंट पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि अब वहां पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक आलीशान होटल है। तीनों ने सोचा कि शायद तनु ने ही रेस्टोरेंट को अब होटल बना दिया है। तीनों खुशी खुशी अंदर चले गए। पता चला कि उन्होंने रेस्टोरेंट तो 4 साल पहले ही बेच दिया था। तीनों को तनु पर बहुत गुस्सा आया। हमें बता नहीं सकती थी, राहुल ने कहा। वॉइस मैसेज किया था तभी बता देती, दिनेश ने कहा। वॉइस मैसेज? तुम्हें भी किया था वॉइस मैसेज? मेरे पास भी आया था, अजय ने कहा। तीनों ने उसी होटल में रुकने का फैसला किया और शाम होते ही अपने कॉलेज की तरफ सैर करने के लिए निकल पड़े। कॉलेज के पास ही बहुत पुरानी पान की दुकान थी। दुकान वाले चाचा ने तीनों को देखते ही पहचान लिया। अरे तुम लोग, बड़े दिनों बाद, पान वाले चाचा ने कहा। अरे चाचा, 5 साल हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी बात पे एक एक सिगरेट पिला दो, राहुल ने कहा। चाचा, ये नुक्कड़ वाले होटल की जगह पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था, अब वहाँ एक होटल है, सिगरेट का कष्ट लेते हुए अजय ने पूछा। अरे हाँ, वो लड़की जो तुम लोगों के साथ कॉलेज जाती थी, उसी के पिताजी का रेस्टोरेंट था। 4 साल पहले एक दिन अचानक दोनों बाप बेटी लापता हो गए। बहुत ढूंढा गया उनको, पर कोई पता नहीं चला। एक दिन ना जाने कहाँ से उनके परिवार के लोग वहाँ आ गए और वहाँ उसी रेस्टोरेंट को तोड़कर होटल बना दिया। लोग तो ये भी कहते हैं कि दोनों बाप बेटी को मरवा दिया रिश्तेदारों ने, पान वाले चाचा ने कहा। पान वाले की ये बात सुनकर तीनों लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, राहुल ने कहा। तनु मर नहीं सकती, अभी 4 दिन पहले ही तो उसने मुझे मैसेज किया था। ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि कोई गलत फहमी हो गई है। चलो होटल में चल के पता करते हैं, दिनेश ने कहा। ऐसा बोलते ही तीनों तेजी से दौड़कर होटल की ओर जाने लगे। होटल पहुंचकर होटल के रिसेप्शन पर तनु के बारे में पूछा, पर वहां से कोई बात नहीं पता चली। तब अजय ने होटल के मालिक के बारे में पूछा,
तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सर कल शाम तक होटल में आएंगे। ये सुनकर तीनों आपस में बातचीत करते हुए अपने अपने रूम में चले गए और रात का डिनर करके अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अभी रात के 2 ही बजे थे कि अभी अचानक अजय को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके सामने रखी आराम कुर्सी पर बैठा हो। अभी उसकी नज़र कुर्सी पर ही थी, तभी अचानक कोई दौड़ता हुआ दरवाजे को एक झटके से खोलकर बाहर कॉरिडोर की तरफ भाग गया। अजय भी तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, दरवाजे से सर बाहर करके कॉरिडोर की तरफ झांका तो देखा कि पूरा कॉरिडोर खाली है। अजय ने उसे अपना वहम समझकर दोबारा सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। अजय अभी अपने बेड पर लेटा ही था कि किसी ने उसके पैरों को एक झटके से खींचकर उसे बेड के नीचे फेंक दिया। अजय दर्द में चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर आया तो देखा कि कॉरिडोर में सामने की तरफ जहां कॉरिडोर खत्म होता है वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा जला हुआ था। अजय ने चिल्लाते हुए उसे कहा, कौन हो तुम, ऐसा क्यों कर रही हो? तभी वो लड़की कॉरिडोर के आखिर में बने स्टोर रूम में चली गई। अजय भी उसके पीछे दौड़ता हुआ उसी स्टोर रूम में चला गया। स्टोर रूम में जाते ही एक अजीब सी ठंड थी। अजय ने पूरा स्टोर छान मारा पर वो लड़की कहीं नहीं मिली। तभी अजय पास की ही एक दीवार पर खून की कुछ बूंदों को देखता हुआ चौंक गया। कमरे में से अजीब से मांस के जलने की बदबू आने लगी। अजय ने कुछ सोचकर पास ही रखे हथौड़े से दीवार को तोड़ना चालू किया। दीवार को तोड़ने पर जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि दीवार के पीछे तनु और उसके पापा की सड़ी हुई जली लाश थी। अजय ने तुरंत अपने बाकी साथियों को बुला लिया और साथ ही साथ पुलिस को भी कॉल कर दी। अगले दिन होटल मालिक के आने पर उसे अरेस्ट किया गया। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि होटल का मालिक जो था वो तनु के चाचा थे, जिन्होंने जमीन के लालच में अपने बड़े भाई और उनकी बेटी को जिंदा जला के मरवा दिया था। तो ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द पाएं।